विधायक का रिपोर्ट कार्ड। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। हमारा खास प्रोग्राम विधायक का रिपोर्ट कार्ड आप देख रहे हैं। आज बात चंबल नदी से घिरी बूंदी की केशव राय पाटन विधानसभा सीट की। कृषि प्रधान इस क्षेत्र के ज्यादातर मतदाता ग्रामीण इलाके के हैं, तो उनकी समस्या भी खेती और किसानी से जुड़ी है। 4.5 साल में कितने वादे हुए पूरे और कितने रह गए अधूरे, करेंगे विधायक के कामकाज की पूरी पड़ताल। पहले देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं चैन सिंह तर। मैं आज खड़ा हूं केशराय पाटन विधानसभा क्षेत्र में, जहां इसी वर्ष विधानसभा चुनाव होने से गांव की चौपाल से लेकर शहर की चाय की दुकानों पर हर कहीं चुनावी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। लोग चर्चाएं करने लग गए हैं कि इस बार फिर से कांग्रेस सरकार रिपीट होगी या होगा सत्ता परिवर्तन। जो जन अपेक्षाओं पे खरा उतरना चाहिए था, जनता के साथ जुड़ाव होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। लेकिन चारों नगर पालिकाएं कभी भी कांग्रेस के खाते में नहीं गई, ये कहीं न कहीं विधायक की कमी को दर्शाती है। कार्यकाल अच्छा रहा उनका और वादे भी खूब किए, पर सरकार कांग्रेस की होने के कारण वो वादे पूरे नहीं हो पाए। कुछ भी कार्यकाल नहीं रहा, वो फील्ड में भी ज्यादा मूवमेंट नहीं करती, और ये बात कह करके और अपने साइड ले लेती है भाई सरकार हमारी नहीं है। उनका कार्यकाल बहुत अच्छा है और अपना जहाँ तक होता है वो हर इंसान के साथ जुड़ी हुई है। हो सकता कि विपक्ष में ना होती तो शायद, और जैसे कि कॉलेज की मांग है या पानी की मांग है, तो हो सकता है ये और अच्छे तरह से वो काम कर पाती। चंबल नदी से घिरी केशवराय पाटन विधानसभा सीट धार्मिक आस्था का केंद्र रही है। नदी के दोनों ओर 1 किलोमीटर की सीमा में घड़ियाल अभयारण्य घोषित है। कृषि प्रधान इस क्षेत्र के ज्यादातर मतदाता ग्रामीण इलाके से आते हैं। यहाँ फसलों की सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी है, लेकिन कई बार नहर का यही पानी खुशहाली की जगह किसानों की परेशानी का सबब बन जाता है। केशवराय पाटन सीट पर पिछले 5 चुनाव के आंकड़ों को देखें तो SC के लिए रिजर्व इस सीट पर BJP का दबदबा नजर आता है। 1998 में कांग्रेस के घासीलाल मेघवाल विधायक बने, 2003 में BJP के बाबूलाल वर्मा विधायक बने, 2008 में कांग्रेस के CL प्रेमी विधायक चुने गए, 2013 में BJP के बाबूलाल वर्मा फिर विधायक बने, 2018 में BJP की चंद्रकांता मेघवाल विधायक बनी। केशवराय पाटन विधानसभा सीट पर 2,70,000 से ज्यादा मतदाता हैं। वहीं जातीय समीकरण के आंकड़ों को देखें तो यहां मेघवाल और बैरवा समाज के वोटर्स का दबदबा माना जाता है। यही वजह है कि सूबे के दोनों प्रमुख दल जातिगत उम्मीदवारों पर ही दांव लगाते हैं। 65,000 SC 60,000 ST वोटर, 25,000 गुर्जर, 20,000 माली वोटर, सामान्य और मुस्लिम वोटर्स का भी प्रभाव है। नगर पालिकाओं के साथ साथ में ये क्या है कि गांवों का इलाका भी इसमें शामिल है, और चंबल कमांड इलाका होने की वजह से यहां पर एक इस प्रकार का एक वातावरण बना। जबकि जातिगत रूप से देखें तो मीणा वहां पर ज्यादा लोग रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि SC की सीट है, इसलिए वहां बैरवा, मेघवाल और हरिजन ये लोग ही वहां पर चुनाव लड़ते आए हैं और वही चुनाव जीतते आए हैं। लेकिन उसके पूर्व जब वह साधारण सीट थी तब सभी जाति के लोगों ने वहां से अपना परचम लहराया है। केशव नगरी की शुगर मिल बंद होने और इलाके का औद्योगिक विकास नहीं होने से यहां का रोजगार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ज्यादातर युवा पड़ोसी जिले कोटा की ओर पलायन करने को मजबूर रहते हैं। धार्मिक महत्व के बावजूद इस क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी नजर आती है। सहकारी शुगर मिल को फिर से शुरू करने की मांग, शुद्ध पेयजल और पानी की निकासी की मांग, जर्जर नहरों का जीर्णोद्धार करने की मांग, पर्यटन का मुद्दा, ट्रेनों और बसों के ठहराव की मांग। जिस प्रकार से लगातार उनकी जो घोषणाएं हुई, उनका जो संघर्ष रहना चाहिए था इस 5 साल जनता के लिए, आज केशवराय पाटन विधानसभा में एक भी राजकीय महाविद्यालय नहीं है। इसके लिए उनका संघर्ष होता तो बात अलग थी। आज जिस प्रकार से लगातार जनता परेशान है, स्थानीय सड़कों को लेकर उस पे वो बोलते नहीं है,
जहां उनको विपक्ष की भूमिका, एक विपक्ष के एमएलए के रूप में जिस प्रकार की भूमिका को अदा करना चाहिए था, जनता सब जानती है कि उन्होंने किस प्रकार से इस रामगंज मंडी, केशवराय पाटन को भी रामगंज मंडी के जैसे उपयोग में लेना चाहा निजी स्वार्थ में। विधायक चंद्रकांता मेघवाल का दावा है कि उन्होंने कोष का ज्यादातर पैसा चिकित्सा संसाधनों पर खर्च किया है, साथ ही क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देकर लोगों को राहत देने की कोशिश की है। विपक्ष में होने के नाते मैं बहुत सारे वादे जो मैंने जनता से किए थे उनको पूरा नहीं कर पाई, इस बात का मुझे खेद है। जैसा कि मैं वहाँ की बेटी हूँ, उस नाते मेरी सबसे बड़ी पीड़ा मन की जो थी वो यही पीड़ा थी कि केशवराय पाटन विधानसभा क्षेत्र में सरकारी कॉलेज हो, ताकि हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को जो 100-100 किलोमीटर दूर कोटा चलकर या बूंदी चलकर जाते हैं या सवाई माधोपुर जाते हैं, उनको कहीं ना कहीं बाहर भटकने की आवश्यकता न पड़े। और इसके लिए मैंने इतना प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद भी मैं हमारा एक भी कॉलेज, सरकारी कॉलेज मेरी विधानसभा में नहीं ला पाई। मौजूदा विधायक चंद्रकांता मेघवाल, पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी राकेश बोयत के अलावा कई दिग्गज नेता चुनाव की तैयारियों के साथ साथ सियासी जमीन तैयार करने में जुट गए हैं। ऐसे में देखना यह बाकी है कि इसी वर्ष विधानसभा चुनाव होने से क्षेत्र के मतदाता फिर से भाजपा पर विश्वास जताते हैं या फिर कांग्रेस को मौका देते हैं। कार्यकाल बिल्कुल नकारा रहा है। मेन चीज जो केशवराय पाटन के लिए बोलनी चाहिए थी, शुगर मिल हमारी बरसों से बंद है, जिस पर किसान आधारित हैं। आज किसानों के पास, सबके पास ट्यूबवेल हैं, पहले तो नहर की जरूरत पड़ती थी, लेकिन आज अगर शुगर मिल को चलाते हैं तो यहाँ का व्यापार केशवराय पाटन का लगभग एक वर्ष में 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का होता है और लोगों को रोजगार मिलता है। मेन बात थी उस शुगर मिल के लिए वो नहीं बोली। दूसरे विकास कार्य के लिए कोई ऐसा कार्य नहीं कराया जिससे हम कह सकें कि हमारी विधायक ने अच्छा काम करा है। कुछ काम नहीं हुए, कोई काम विकास के नहीं हुए हैं जो होने चाहिए थे। केशवराय पाटन में कॉलेज होना चाहिए था, कोई चर्चा नहीं करी। यहाँ पहले कोई चीज आई हुई थी तो वो भी चली गई दूर बाहर, इसने कभी कोई यहाँ के विकास के लिए कोई बात ही नहीं करी। कार्यकर्ताओं को बांट रखा है आपस में, जो पैर छूते हैं उनको बना रखा है, कोई पार्टी का काम नहीं करते हैं, बेकारी पार्टी को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। यदि यहाँ कोई विधायक स्थानीय होता तो निश्चित रूप से यहाँ के बारे में सोचता, क्योंकि स्थानीय व्यक्ति को यहाँ की तकलीफ का पता होता है। बाहर से कोई आता है उसको यहाँ की तकलीफ का थोड़ी पता होगा। हम यहाँ रहते हैं तो हमें यहाँ का पता है कि हमारी क्या तकलीफ है। तो हमारे बीच का यदि कोई व्यक्ति, स्थानीय व्यक्ति होगा, उसको यहाँ की तकलीफ का पता होगा, तब वो विधानसभा में जाके उस बात को रखेगा, तब जाके हमारे क्षेत्र का विकास संभव है। बाकी अगर कोई बाहर का व्यक्ति आता है तो विकास संभव नहीं है। आपकी नजर में जैसे चंद्रकांता जी 5 साल से विधायक है तो कार्यकाल कैसा रहा? 4.5 साल में कोई काम नहीं है पूरी विधानसभा के अंदर, या उसने पैसा बटोरने का काम किया है और कुछ भी काम नहीं करा। न तो कार्यकर्ताओं से मिलके रही, न व्यापारियों से मिलके रही। क्या दो पांच लोग पकड़ में लें दूसरी टाइप के जो उनके धंधे चल रहे हैं। चंद्रकांता ने जब चुनाव में आई थी तो बहुत अच्छे वादे किए थे, लेकिन उन वादों में 5 साल में उसने एक भी काम अपना वादे से नहीं किया। केशवराय पाटन में हमारे इस क्षेत्र में सबसे बड़ी जो समस्या है शुगर मिल चालू करने की, शुगर मिल के लिए एक दिन विधानसभा में उसने नहीं उठाया, नहीं बोला। दूसरी हमारी जो उपखंड कार्यालय में सब जगह कॉलेज खुले हैं, केशवराय पाटन में नियमों के मापदंड में भी पूरा करता है, पर नियमों के मापदंड में भी इसने कॉलेज के लिए केशवराय पाटन में नहीं खुला। यहाँ के बच्चे कोटा या बूंदी या बाहर पढ़ने जाते हैं। आज इस महंगाई में यहाँ का बच्चा बूंदी जाएगा, कितना किराया लगता है, कितना पैसा वेस्ट होता है। गरीब को कोई राहत नहीं है, गरीब का बच्चा कोई पढ़ने बाहर नहीं जाता, गरीब का बच्चा बिल्कुल 10वीं पास करने के बाद घर बैठ जाता है। इस तरह से उसने कोई विकास नहीं किया, पाटन के बारे में कुछ नहीं सोचा उसने। उसने सोचा है तो स्वयं के विकास भी सोचा है। प्रधान बनाने में उसने ब्लैकमेलिंग किया लोगों को, जिला परिषद के डायरेक्टरों को, पंचायत समिति डायरेक्टरों को ब्लैकमेल किया, उनके नाम से भ्रष्टाचार किया और प्रधान बनाने में उसने बड़ा घपला किया है। ये हमारी बहुत पीड़ा है। इस विधानसभा में पहली बार
बाहर का व्यक्ति आता है लूट के चला जाता है। इस बाहर के व्यक्ति को केशोराय पाटन में इस बार स्वीकार नहीं किया जाएगा। पार्टी अगर भारतीय बाहर के व्यक्ति को टिकट देती है और स्थानीय व्यक्ति को जनाधार वाले व्यक्ति को काटती है तो ये हमारा दुर्भाग्य होगा केशोराय पाटन का। केशोराय पाटन की जनता इस बार बाहर के व्यक्ति को स्वीकार किसी भी हालात में नहीं करेगी और उसका पूरा दमखम से उसको चुनाव में मजा चकाने का काम करेंगे। पांच साल से चंद्रकांत जी विधायक हैं, क्या वादे किए थे एक महिला होने के नाते? आप कितने सारे वादे किए थे उसने, चंद्रकांत ने कुछ भी काम नहीं किया। हमने उनसे बहुत बोली भाई ये काम करवाओ ये काम करवाओ, तो उन्होंने बोली भाई करवाएंगे तो कोई करवाया ना उन्होंने काम, ये कुछ भी नहीं करवाया। ये की बात शरद जी मंजूर जी भी न करो काय काम न करवाए उन्होंने, नाराज है लोग काय न करो काम। चंद्रकांता जी का कार्यकाल आपकी नजर में कैसा रहा है, पास है? देखो चंद्रकांता जी का जो कार्यकाल है बिल्कुल पहले, और दूसरा काम ये यहाँ से पाटन में नगर पालिका में हमेशा बीजेपी का वोट बैठता था पाटन कापन, और ये आने के बाद बीजेपी का वोट बैठते हुए भी कांग्रेस का वोट बैठा है। ये सबसे बड़ी इनकी गलती, मतलब कैसे भी मानो कैसे क्या किया इन्होंने। और जो भी आता है यहाँ बाहर से वो पार्टी टिकट देते हैं कार्यकर्ता लग जाता है, लेकिन अब की बार से जो कोई भी अगर टिकट ले जाएगा उसका स्थान है आदमी बीजेपी के कार्यकर्ता कोई भी विरोध करेंगे। और काम की जो बारे की बात है तो काम तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हमारे यहाँ जो चौराहे पे जो वो जो निकल रही है रेलवे लाइन उनमें भी चौतरा बनना चाहिए कायदे से, तो लेकिन इन्होंने भी पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया, त्रिकोणा बना के और बिल्कुल मतलब बेसेप टाइप बना दी और उसे आने जाने में परेशानी आएगी लोगों को। काम वाम तो कुछ भी नहीं किया है और गुटबाजी इतनी कर दी ताकि कार्यकर्ता बहुत पसके क्या करेंगे क्या नहीं करें सोचने में मजबूर हो गए कार्यकर्ता। आज बताइए कार्यकाल आपकी नजर में चंद्रकांता जी का कैसा रहा? आज से भारतीय जनता पार्टी को फर्श पे लाने का काम चंद्रकांता जी के द्वारा पहली बार हुआ। भारतीय जनता पार्टी की ऐसी दुर्दशा आज दिन तक देश आजाद हुआ जब से लेकर अभी तक इस पाटन विधानसभा के अंदर कभी देखने को नहीं मिली। चार नगर पालिकाएं केशोराय पाटन विधानसभा के अंदर है, लेकिन आज वर्तमान में एक भी नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का वोट नहीं है। केशोराय पाटन नगर के अंदर 35 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की पकड़ थी, आज दिन तक कांग्रेस या क्या है कि आदर पार्टी ने क्या है कि नगर पालिका में वोट बिछाने का काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के पास रही 35 सालों तक, पहली बार कांग्रेस के खातों में ये चंद्रकांता जी के द्वारा डाली गई। तो विकास नहीं हुआ कुछ, विकास के नाम पे 0। मौत अरण परण में जरूर क्या है कि वो आया जाया करती है केशोराय पाटन विधानसभा के अंदर, बाकी काम के नाम पे कुछ भी नहीं है। करीब करीब जो उन्होंने वादे किए थे वो लगभग 80% उन्होंने पूरे भी किए हैं। जैसे हमारे लाखेरी के अंदर 4-5 करोड़ रुपए उन्होंने दिए हैं, हॉस्पिटल के अंदर उन्होंने मशीनें लगवाई है, और जब भी कार्यकर्ता या कोई आम जनता के सामने जो भी कोई काम आता है चंद्रकांता जी बिल्कुल एक्टिव के रूप में खड़ी रहती हैं। अभी 3-4 दिन पहले जब हमारे निकट इंद्रगढ़ में कांड हुआ था वहाँ भी पहले एक ऐसी महिला थी जो टाइम पर पहुंचकर उसने पूरी स्थिति को कंट्रोल में किया। ऐसी महिला की लाखेरी विधानसभा क्षेत्र में बहुत आवश्यकता है, ऐसी समस्याएं भी है क्योंकि मैडम चंद्रकांता जी विपक्ष की विधायक है। यहाँ इस राजस्थान में कांग्रेस का शासन है और कांग्रेस के शासन में उन्होंने लाखेरी को हमेशा ओबीसी रखा है, जिसे हमारे यहाँ पंचायत समिति है अगर जो स्वीकृत भी है, मगर कांग्रेस का शासन होने के बावजूद उसने यहाँ पर पंचायत समिति को नहीं आने दिया। महाविद्यालय है, महाविद्यालय हमारी चंद्रकांता जी मेघवाल जो हमारी विधायक है लोकप्रिय विधायक है बहुत मेहनत करती है, मगर सरकार हमारी नहीं है, सरकार कांग्रेस की है। कांग्रेस की सरकार विपक्षी विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों में काम नहीं करवा रही है। मैडम ने सबसे पहले कोरोना काल में पूरे पाटन से लेर
अपने करवर पूरी विधानसभा में एम्बुलेंस प्रत्येक हॉस्पिटल में दी, और उसके अलावा लाकेरी हॉस्पिटल में एक्सरा मशीन और सोनोग्राफी मशीन और एम्बुलेंस, और हाई स्कूल में बाउंड्री वाल के लिए 15-20 लाख रुपए दिए, गर्ल्स स्कूल में पैसे दिए, सामुदायिक भवन के पैसे दिए। इसलिए मैडम का कार्यकाल पूरी पाटन विधानसभा में बहुत ही अच्छा है। मैं बार बार बोली थी कि लाकेरी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें महाविद्यालय होना चाहिए, और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में महाविद्यालय खोले जा रहे हैं, लेकिन केशवराय पाटन विधानसभा में एक भी महाविद्यालय नहीं है। ये कांग्रेस की दोहरी नीति का कारण है। हमारी सड़कें अच्छी हो, पेयजल स्कीम हमारी जल्दी से जल्दी कंप्लीट होती, लेकिन मुझे इस बात का खेद है कि जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, जैसे हमारे झाली जी का वराना गेंडोली स्कीम थी वो हमारी डिसेंक्शन में डाल दी गई, जिसका टेंडर भी लग चुका था। कहीं ना कहीं सरकार के स्तर पे एक बहुत बड़ी खामी रही है, और जिसका हम लोगों को और हमारी जनता को मैं कहूंगी कि बहुत सारी पीड़ा उसकी भुगतनी पड़ी। आज बहुत सारे गांव हमारे ऐसे हैं जो पानी के लिए त्राहिमान त्राहिमान जहाँ पर मजा हुआ है, आपने देखा होगा रेबारपुरा पचीपला, मतलब नदी में गड्ढे करके उस पानी को भर के ला रहे हैं, ऐसी स्थिति वहाँ बनी हुई है। कहीं ना कहीं ट्यूबवेलें भी हमारी सेंक्शन नहीं हो पाती, तो ये बहुत सारी परेशानियां हम लोगों के सामने हैं। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ सेंटर गवर्नमेंट को, जिन्होंने जल मिशन योजना के माध्यम से 350 गांवों को इस स्कीम में लिया, और जिसका काम भी लगातार चल रहा है। माननीय विधायक चंद्रकांता जी जब चुनाव में समर में आए तब उन्होंने बेटी और केशवराय पाटन को अपना परिवार कहा था। बेटी के रूप में उन्होंने माहिरे के रूप में उन्होंने सस्ती हथकंडे अपनाकर और केशवराय पाटन की जनता के मत हासिल किए थे और विजय श्री प्राप्त कर। लेकिन पहली विधायिका होगी जो अपने पीहर का हिस्सा, अपने परिवार का हिस्सा, विधायक दल के पैसे को भी वो ससुराल में ले जाकर रामगंज मंडी, उनका लगाव जो रामगंज मंडी से रहा, कहीं ना कहीं कोई कारण है क्यों रामगंज मंडी यहाँ की जो विधायक का फंड है वो कोविड के समय जब आवश्यकता थी केशवराय पाटन की जनता को उनकी मदद की, और वो कोविड में मदद करते थे रामगंज मंडी और कोटा की जनता को, और केशवराय पाटन की जनता को संभालते तक नहीं थे। उम्मीदें बहुत हैं, काम बहुत अच्छा भी है, लोगों के साथ व्यवहार बहुत अच्छा है, हर एक के सुख दुख में जाती हैं। लेकिन केशवराय पाटन की जो मुख्य मांग है वो अभी से नहीं, पिछले 15 सालों से है कि यहाँ पे फिल्टर प्लांट होना चाहिए। चंबल का पानी सब लोग पी रहे हैं, और हम धरती के अंदर से पत्थर से खुदा हुआ फ्लोराइड वाला पानी पी रहे हैं। वो मांग हमारी अभी तक पूरी नहीं हुई। अब इस बार तो क्योंकि राजस्थान में तो कांग्रेस सरकार थी, विधायिका जो है वो बीजेपी की हैं, उन्होंने भरसक प्रयास निश्चित किए होंगे, लेकिन ये मांग हमारी जो भी MLA अब चुनाव लड़ेगा उसके साथ रहेगी कि हमें शुद्ध पानी मिलना चाहिए। MLA साहब ने वादे तो जनता से किए थे, लेकिन वो शर्त यही थी कि सरकार बनेगी तो कुछ वादे पूरे कर पाते हो, और सरकार नहीं होने की वजह से वादों में कुछ कमियां रह गई। लेकिन उन्होंने जो वादे किए थे उनके लिए बराबर समय समय पर विधानसभा में क्वेश्चन लगाए, हम देखते थे तब भी विधानसभा चलती थी। लाखेरी के लिए वो कॉलेज, पंचायत समिति या लाखेरी में जितनी भी मोस्ट समस्याएं थी उनके लिए बार बार उन्होंने आवाज़ें उठाई। चंद्रकांता जी MLA साहब ने जो भी वादे किए हैं उनको पूरा करने का पूरा प्रयास किया है, और वो उन्होंने उनमें सफलता भी मिली है। लेकिन हम विपक्ष की सरकार है अभी, तो कुछ कार्य आप जानते हैं कि इस विपक्ष में बैठे हैं, और विपक्ष के विधायकों का वो काम नहीं करा रही है उनकी विधानसभाओं में, और हमारे MLA साहब ने तो गांव की बेटी है, और बिल्कुल बेटी है तो गांव को पूरा सपोर्ट करती हैं सभी लोगों का, कांग्रेस और किसी भी दल का व्यक्ति हो, किसी भी दल का नेता हो, कोई भी गरीब अमीर सब हो, सबका सब कुछ है। चुनाव लड़ने के लिए चंद्रकांता जी मैदान में आई थी, जब वादे तो बहुत सारे किए थे, लेकिन उसके बाद में सरकार इनकी पार्टी की नहीं बनी, तो आगे से जो कांग्रेस की सरकार बनी ये बीजेपी से विधायक है,
तो वादों को पूरा करने का काम सरकार का होता है। इन्होंने विधानसभा में समय समय पर मांग रखी, लेकिन सरकार ने, आपने देखा होगा बूंदी जिले में किस तरह से सरकार का भेदभावपूर्ण तरीका है। क्या क्या वादे किए थे मैडम ने? मैडम ने वादे तो बहुत किए थे, लेकिन उनसे आधे से ज्यादा पूरे भी किए हैं, और जो उनके बस की रही वो उन्होंने सब किए हैं। उन्होंने विधायक कोष पे जितने, जैसे उनके विधायक कोष से पार्टी फंड से पैसे आए तो केशवरायपाटन विधानसभा क्षेत्र में लगवाए भी हैं। आपकी नजर में मैडम का कार्यकाल? मैडम का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। मैडम ने जो भी सरकार से जो भी चीज मांगी तो वो दे नहीं पाए कांग्रेस सरकार। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में एक और विधायक